अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से मल्टीपल गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विदाउट मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। तो आइए, इसके लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने यूज़र एंड अकाउंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूज़र एंड अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके नीचे आप जाके देखेंगे गूगल का पॉप अप होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है, इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद वो साइन इन का पेज ओपन करेगा, जिसके नीचे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है और माई सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वो आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगेगा, आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर देना है। जैसे ही आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ में वो पहले महीना, फिर डेट और फिर ईयर। इसके बाद आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप अपना कौन सा ईमेल जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसकी जो ऑप्शंस दी हुई हैं उनमें से भी कोई एक ईमेल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास अगला पेज ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड फोन नंबर। आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड नहीं करना और स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो एंड पे पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर एग्री का ऑप्शन है, आपने उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन चेक करेगा और गूगल की सर्विसेज चेक करेगा। इस चेक करने के बाद वो पेज क्लोज हो जाएगा। अब आप जैसे ही वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नया गूगल अकाउंट क्रिएट हो गया है, और आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने जीमेल पे लॉगिन करें, यूट्यूब पे लॉगिन करें, जहां मर्जी आप इस जीमेल को यूज़ करें। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया विदाउट मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन। अल्लाह हाफिज़।